नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक की यूनिट इकाई लाभ हानि प्रॉफिट लॉस की कंसेप्ट सीरीज का तीसरा वीडियो। इससे पहले हम लाभ हानि प्रॉफिट लॉस की कंसेप्ट सीरीज के दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यह वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका गणित के विषय में महारत हासिल कराने के लिए इस कंसेप्ट सीरीज का अहम लक्ष्य है। तो आइए शुरू करते हैं लाभ हानि। हम पिछले वीडियो का रिवीजन देखते हैं। एक दुकानदार था जो 10,000 रुपये में कोई एक मोबाइल खरीद रहा है और वह 11,000 रुपये में बेच रहा है। यदि हम क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो तो हमें लाभ की स्थिति निर्मित होती है। लाभ की निर्मित स्थिति कब होती है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ आता है हमारा। 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारा 1,000 रुपये का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। यही है, इसमें लाभ की स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है और प्रॉफिट की स्थिति निर्मित होती है। उसी प्रकार हमारी हानि में क्या होती है? जब कोई दुकानदार 10,000 रुपये में कोई मोबाइल खरीद रहा है, उससे जो खरीद रहा है उससे कम में बेचे तो हमेशा हानि की स्थिति होती है। इसके कितनी रुपए की हानि हो जाएगी? इसमें क्या करना पड़ता है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि आ जाएगी। इसमें विक्रय मूल्य क्या रहता है? कम रहता है क्रय मूल्य से हमेशा। इसलिए इसे 2,000 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। इस स्थिति में, हानि की स्थिति में क्या होती है? क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो हमेशा हानि की स्थिति बनती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता है और 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। उसके सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हमें मैथ के क्वेश्चन हल करने से पहले उसकी प्रकृति, उसके नेचर जानना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेचता है। कैसे बेचता है? उसका हम जानते हैं कि सीपी जब क्रय मूल्य लेते तो 100% लेते हैं, तो हमने 100% ले ली। और उसे एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेच रहा है तो यह 20% लाभ कैसे मिलेगा? ऐसे ऐसे मिलेगा, एसपी हमारा विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, दूसरा दूसरा विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें चार फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारी एसपी क्या हो जाए, एसपी पहली पहला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, क्योंकि उसे 20% का लाभ मिल रहा है और जो भी लाभ मिलता है वह क्रय मूल्य से हम जोड़ते हैं, तो 20 हमने जोड़ दिया क्रय मूल्य में। ठीक है, इस प्रकार अब हम यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता है तो 10% अधिक पर खरीदता है, इसका क्या मतलब है? CP1 पहली क्या थी? 100 थी, 100 थी, 100% ही मानते हैं, और 100% ही मानते हैं हम जब कोई जब कुछ दिया ना गया हो। तो हमारा सेकंड क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड क्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये, क्योंकि भाई 10% अधिक पर खरीदता है तो हमारा सेकंड क्रय मूल्य 110 रुपये हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, और 25% लाभ पर बेचता है तो 25% लाभ पर बेचता है, 110 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जब 110 पर क्रय मूल्य हो जाएगा, 125% लाभ पर बेचता है, तो 25 में से 25 100 में से जोड़ेंगे तो 125 बटे 100 137.5 सेकेंड विक्रय मूल्य आ जाएगा। बस उसे 14 रुपये किसकी वजह से मिल रहे थे? इनकी वजह से मिल रहे थे दोस्तों। तो हम दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस करेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 17.5 डिफरेंस आ जाएगा। 17.5 के कारण उसे 14 रुपये अधिक मिल रहे थे। यह एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। फिर हमने देखा कि 17% के 17.5% जो हमने उनमें विक्रय मूल्य में डिफरेंस किया है, इसी के कारण उसे मिल रहे थे। तो 17.5% बराबर 14 रखेंगे। फिर उसके बाद 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 17.5 नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने सबसे पहले हमने क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य था वो 100 ही माना था, 100% ही माने। यदि हम दोनों तरफ 100% का गुणा कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए यही करना पड़ता है। इसका जब हम और करेंगे, ये ऊपर एक बिंदी हटाएंगे तो एक जीरो पहुंच जाएगा, इसे काटेंगे तो हमारा क्या 4 ऊपर आ जाएगा, 7, फिर इसे 2 करेंगे तो हमारा 2 गुणा 40 80 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
80 हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, पड़ा है बस यहाँ पे, यह है पहला विक्रय मूल, दूसरा पहला विक्रय मूल, दूसरा क्रय मूल और दूसरा विक्रय मूल। यहाँ पे पहला क्रय मूल और पहला विक्रय मूल बस इतना निकालना है और दोनों में डिफरेंस करना है। इस प्रकार का थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बस यही होता है। इसमें चार फंक्शन दिए रहते हैं, एक तो इसमें क्रय मूल अपने दिख नहीं रहा है लेकिन वह 20% लाभ पर बेचता है तो हमारा विक्रय मूल हो गया, और फिर 110% अधिक पर खरीदता है, यानी पहले 100 में खरीद रहा था फिर 110 में, 100 में खरीद रहा था फिर 110 में। इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति को यह घोड़ा 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसने इसे 25% क्रय मूल से कम पर खरीदता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, वह पिछला क्वेश्चन था उसमें 100 जो भी क्रय मूल था उससे अधिक में खरीद रहा था, दूसरी जो दूसरा इसका क्रय मूल ला रहा था, लेकिन इसमें कम में खरीदा है, तो हम देखते हैं क्या होता है। पहले तो सीपी वन हम 100% मानेंगे, और फिर जब एसपी वन हमारा 15% लाभ है तो हमारा 115 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम सीपी में जोड़ेंगे 15 तो हमारा 115 एसपी वन आ जाएगा, जी हमारा पहला विक्रय मूल आ जाएगा। हमारा इन दोनों में जो फंक्शन हो रहा है वो 600 रुपये कम मिल रहे हैं, तो उसे 32% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 32% का लाभ हो रहा है, 32 का लाभ नहीं हो रहा है, 32% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीपी टू हमारा सबसे पहले तो क्रय मूल से कम में खरीदता है, दूसरा हम सीपी टू निकालना है, दूसरा क्रय मूल निकालना है कि वो इसने जो क्रय मूल था पहले 100 था उसमें 25% जब घटा देंगे तो 75% बचेगा कि नहीं, यही 75% हमें लिखना है। बस फंक्शन वही है और उसमें कुछ नहीं है। अब हमें इसका दूसरा विक्रय मूल निकालना है, तो दूसरा विक्रय मूल निकालने के लिए इसमें से 25% घट रहा है, तो 100 गुणित हम 32% का लाभ हो रहा है, तो 25% 25 हमारी क्या हो गई, हमारी क्रय मूल हो जाएगा। हम क्योंकि हमारा जो लाभ हानि होता है वो क्रय मूल पे होती है, तो क्रय मूल पे हम 132% करेंगे तो बटे 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। हमारा दूसरा विक्रय मूल कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। बस इसका ही हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे और दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस करेंगे, जो 600 रुपये कम या ज्यादा मिले हैं बस इसी से आ जाएगा दोस्तों। 115 99 तो 16 का डिफरेंस हो रहा है, तो हम 16% के कारण हमें 600 रुपये कम मिले हैं, क्योंकि इसमें पहले 25% उसमें क्रय मूल्य से कम खरीद रहा था, फिर उसे 32 रुपये का लाभ हो रहा था, इस प्रकार उसे 16% के कारण हमें 600 रुपये कम मिले हैं दोस्तों, क्योंकि उसकी विक्रय मूल्य उसका कम हो गया है। देखिए यहाँ पे ओके दोस्तों, 16% की हम वैल्यू क्या पे रखेंगे, 600 रुपये के बराबर रखेंगे। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालने के क्या क्या करना पड़ता है, दोनों में गुणा करना पड़ता है, तो हमने दोनों में 1% गुणित 100 600 बटे 16 गुणित 100 किया, इसे हमने थोड़ा और सॉल्व किया। ये कैलकुलेशन है दोस्तों, आप अपनी पेपर कॉपी पे अपने आप खुद कंसेप्ट बनाइए, मैं तो केवल गाइडलाइंस दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक फंसते रहते हैं, और आपको जब मैं पूरा ये चैप्टर करा दूंगा तो आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 3725, 15 गुणित 25 करेंगे तो 3750 आ जाएगा इसका आंसर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एक दुकान, ये बेईमान दुकानदार पर आधारित है दोस्तों। बेईमान दुकानदार क्या क्या करता है, बेईमान दुकानदार का फंक्शन होता है कि एक बेईमान दुकानदार होता है तो वह या तो क्रय मूल्य पर कम ज्यादा करे, रुपया कम कर सकता है क्योंकि उसका दुकान, और क्या करेगा बेईमान दुकानदार, या तो वह कम तोलेगा या फिर उसे क्रय मूल्य है जो उसमें ही से ज्यादा बढ़ा के पैसा बताएगा, या फिर उसमें अपने जो बटखरे का उपयोग करेगा, बाट का उपयोग करेगा, उसे कम करेगा। बस तो इसमें बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, बस आप थोड़ा फंक्शन देखिए। माना कि हमारा 1000 ग्राम है, मतलब 1 क्विंटल का कोई बाट है, उसका 1000 रुपए का कोई कीमत हम सामान बेच रहे हैं, तो 1000 रुपए की कीमत हमारी बाट है, ये 1000 का, तो इसकी कीमत प्रारंभिक कीमत हम मान के चलते हैं कि 1000 रुपए है। बस यह फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, ये तो हमने मानते हैं कि यह प्रारंभिक 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, ये माने 1 ग्राम की, 1 ग्राम प्रति 1 ग्राम इसकी कीमत है, ये फंक्शन होता है। फिर इसके बाद वो जो बोल रहा है उसे करना पड़ता है, भाई क्या बोल रहा है, भाई 1 किलो की जगह 800 ग्राम का बाट का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 800 ग्राम का उपयोग करता है, कैसे करता है देखते हैं, जब 1000 ग्राम था तो वह 800 ग्राम का उपयोग करेगा, तो ये 800 ग्राम नहीं हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। अब यह इसे 200 ग्राम इसमें फायदा हुआ, 200 रुपए का तो इसमें फायदा हुआ उसे, तो उसकी प्रारंभिक
जो भी क्रय मूल्य हो जाएगा ये हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, वैसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो वह बेच ही रहा है, वो तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा ही कर रहा है, तो हमारा ये न्यू सीपी हो जाएगी बस। ये यदि वह क्रय मूल्य वह कुछ बांट के रूप में कुछ घटाता बढ़ाता है तो वह उसे नई सीपी मिल जाती है, हमें नए क्रय मूल्य मिल जाता है। यदि वह दूसरे क्रय मूल्य में कुछ घटाता बढ़ाता है तब इसमें करना पड़ता, हमको प्रारंभिक कीमत में कुछ करना पड़ता, लेकिन वह कह रहा है वो क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, तो वह यह हमेशा 1,000 रुपए हो जाएगा क्योंकि वह कुछ कर नहीं रहा। अब जी हमारा नया फंक्शन यही बच जाएगा, बस बन जाएगा। और इसी प्रकार के जब बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन आएंगे तो बस यही बांट होगा और उसकी जो प्रारंभिक कीमत होगी वह होगी। अब हमारा 1,000 रुपए हमारी कीमत बेचने की, हमारी नई न्यू सीपी हमारी 800 रुपए की हो गई, वो 1,000 रुपए में बेच रहा है बस। ये हो गई हमारी न्यू एसपी हो गई, ये नया हमारा विक्रय मूल्य हो गया क्योंकि वह क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है बस। यही दोनों फंक्शन होगा, यही इसमें अंतर निकालेंगे। फिर अंतर में से हम हमारा क्रय मूल्य कितना है 800, अंतर में से जो भी होगा उसे हम 800 का भाग देंगे, वो बड़ा 100 का कर देंगे, तो हमें प्रतिशत लाभ निकल आता है। हम जानते हैं कोई भी अंतर बटे हम क्रय मूल्य करते हैं तो हमारा, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हम घटाते बढ़ाते हैं तो बटे क्रय मूल्य करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता, तो हमारा अंतर कितने का आएगा 200 रुपए का आ गया। तो 200 बटे हम 800 हमारी न्यू सीपी थी, 800 हमने भाग में 800 सीपी लिख दी, गुणित 100 कर दिया तो हमें परसेंटेज आ जाता है। जी हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इस प्रकार का, हमने फॉर्मूला देखा था कंसेप्ट के आधार पर, यह फॉर्मूला देखा था दोस्तों, यह ध्यान रखना। हमें वैसे हमें फॉर्मूला ज्यादा रटने की मैं कहता नहीं हूँ, ना हम रटवाएंगे क्वेश्चन, ये तो एक कंसेप्ट है, बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम। तो हमारा परसेंटेज लाभ कितना आ जाएगा, ये अंतर है, हमारा परसेंटेज लाभ आ जाएगा 25%। जब इसमें से 0,02 उड़ जाएंगे, 200/8 करेंगे तो हमारा 25% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया बस, यह उसका बांट था, यह उसका जो हमने 1,000 रुपए की कीमत थी वो कीमत थी, वह कीमत पे ही बेच रहा है। जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो और इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा दोस्तों। बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। चलिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य पर देखिए 6 सही 1/4% हानि पर सहकर बेचता है। अब वह क्रय मूल्य पर भी गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, देखो कितना बेईमान दुकानदार है ये। और फिर उसके बाद लेकिन वह बटखरे का जो प्रयोग करता है उसका भार जो है 12% कम है, लो जो उसका बाट का प्रयोग करता है उसमें भी 12.5% कम है, अब दोनों में गड़बड़ कर रहा है, इसे कितना फायदा होगा दोस्तों तो देखते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, देखिए भाई फंक्शन होगा 1,000 ग्राम का बांट होगा, ये बांट है उसकी 1,000 की हम प्रारंभिक कीमत 1,000 रुपए मान लेते हैं है दोस्तों, ठीक है ना। अब यह इसका जो कीमत होगी वह 1 प्रति ग्राम होगी, 1 रुपए की प्रति ग्राम होगी क्योंकि 1,000 ग्राम 1,000 रुपए का हो रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब हमारा 1,000 रुपए की, अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, उसका भार 12% कम है लेकिन वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका लाभ 12.5% कम है, तो उसका लाभ प्रति, अब पहले तो हमें बांटे से निपटना पड़ेगा, जब हम उसे क्रय मूल्य पे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले हम बांट से निपट लो क्या कर रहा है एक बेईमान दुकानदार। तो यह 12.5% कम बेचता है, 12.5% का हम जब यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 25/2 होता है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। अब यदि हम यह निकालें, यदि दूसरी तरीके से हम निकालते तो 100 प्लस हम 12.5% कर देते, लेकिन हम यूनिट से निकालते हैं, तो हम जब यूनिट से निकालेंगे तो 1,000 हमारा ये है। अब 1,000 में से कितना घटेगा, हमें 12.5% घटाना है, तो आप किसी भी तरीके से 1,000 में 12.5% घटा दो, मैं तो आपको घटाना है, आपको सिखा रहा हूँ कैसे सिखा रहे हैं कि 100 में से जो 100% होता है तो 100 आ जाता है और गुणित 25/2 आ रहा है, तो हमें 125% घटाना पड़ेगा। कई तरीके हैं 12 निकालने के, इसमें से 12.5% जो घटाना है 1,000 रुपए में से, कई तरीके हो सकते हैं निकालने के, तो 1,000 में से 125 हमें घटाना है तो हमें 875 ग्राम आ जाएंगे। आप भी कोई किसी भी तकनीकी से घटा सकते हैं दोस्तों, और आप धीरे धीरे और सीखेंगे। तो हमारी जो नई सीपी थी वो कितनी आ गई, 875 रुपए आ गई, क्योंकि हमारा 12.5% कम हो रहा था, हमने 1,000 ग्राम में से जो 1,000 ग्राम का जो बांट था उसमें से 875 हमने आ गए, क्योंकि 125 हमें घट रहे थे, 12.5% हमें घट रहे थे, तो इसकी क्या हो गई, न्यू सीपी हो गई। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पे भी मतलब 6 सही 1/4% हानि सहकर बेचता है, लो जो इसका क्रय मूल्य प्रारंभ में क्रय मूल्य माना था इस पे भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो क्या गड़बड़ कर रहा है देखते हैं, ठीक है। 104% बराबर होता है 25/4, यहाँ पे 6 सही लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे हम 6 लिखना भूल गए, तो 6 सही 1/4% बराबर 25/4 होता है। तो हम अब भाई 1,000 में से हमें 6 सही 1/4 घटाना है, आप किसी भी
तरीके से घटा लीजिए। चलो हमें वही वही घट रहा है तो हमारा 62.5 घट रहा है, तो 62.5 1000 में 62.5 घटेगा तो कितना आएगी हमारी नई ये नई एसपी आ गई, ये हानि सहकर बेच रहा है इस पर। दोस्तों क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है वो, हानि हानि कर रहा है वो, हानि की उसे हानि हो रही है उसे क्रय मूल्य पर। तो क्या कितनी की हानि हो रही है, 6.4% की हानि हो रही है। चलिए ठीक है, एक बेग में दुकानदार वस्तु को तो उसमें 937.5 की हानि हो रही थी, अब बस हमारे ये न्यू विक्रय मूल्य निकल आया, न्यू एसपी निकले, बस इस प्रकार ही जो भी बेग में दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन होगी इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, चाहे किसी प्रकार का भी हो, इससे कठिन क्वेश्चन होगा वो कभी के दे देगा, बांट में से घटा रहा है या बढ़ा रहा है, मैं क्रय मूल्य से घटा रहा है या बढ़ा रहा है, इस प्रकार होगा। तो हम दोनों का अब अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें निकालना है उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हो रही है। तो हमने इन दोनों में अंतर निकाला तो हमारा इतना कितना 62.5 आया इन दोनों का, पहला सीपी, क्योंकि हमें सीपी और नई न्यू सीपी और न्यू एसपी का जो अंतर आया वो 62.5 आ रहा है, तो 62.5 रुपए आया है। अब हम इसका परसेंटेज लाभ यहां निकालते हैं, तो परसेंटेज लाभ हम निकालने के 62.5 ऊपर लिख देंगे, 875 हमारी न्यू सीपी थी दोस्तों, न्यू सीपी थी हमारी, क्या थी न्यू सीपी थी, 875 तो हमने रख लिया, गुणा 100 किया तो 50.7 आया, बराबर 7 सही एक। अब फिर हम इसमें भाग देंगे, 50 में 7 का भाग देंगे तो 49.7% जो हमारा आंसर आ गया, 7 सही 1/2% जो हमारा आंसर आ जाएगा आ गया है दोस्तों। अब इसमें हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया दोस्तों, इसमें समझने की बात है कि यह बांट है और यह उसकी प्रारंभिक कीमत मान ली है, इसी प्रकार का फंक्शन आएगा दोस्तों, आपको कोई समस्या नहीं है, या फिर उसमें दे दिया होगा, दे दिए होंगे उसमें रुपए दे दिए होंगे तो हम और क्वेश्चन करेंगे तो हम और देख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा यह है लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट सीरीज का तीसरा वीडियो हमने देखा दोस्तों। आप हमारे YouTube कैरियर डेस्ट एकेडमी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे, और वैसे आपके लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम प्रॉफिट एंड लॉस का भाग चौथा, लाभ हानि गणित का चौथा वीडियो हम लेकर जल्दी हाजिर होंगे दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।